गिट्टी खदान पुलिस ने मंगलवार को अवैध हथियार लेकर घूम रही एक आरोपी को धर दबोचा, जिससे पुलिस ने कुल 26,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकार ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी पुलिस हवलदार युवराज ढोले ये स्टाफ के साथ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनके मार्गदर्शन में लॉकडाउन होने की वजह से गिट्टी खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि बोरगांव पटेल नगर गिट्टी खदान यहाँ रहने वाला आबिद शेख नामक एक युवक अवैध देसी पिस्तौल लेके घूम रहा है, जिसके आधार पर पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्त में लेकर उससे अवैध देसी पिस्तौल समेत 26,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने अधिक जानकारी साझा की। आज पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान की हद में एक आरोपी अबीदुल्ला अजीमुल्ला शेख, इसके पास फायरआर्म है, ऐसी गोपनीय सूचना मिली। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिट्टी खदान के स्टाफ ने उस आरोपी को बोरगांव यहाँ से ताबे में लिया। उसकी अंजर्ती लेने पर उसके पास एक गावठी पिस्टल बरामद हुआ उस पर, और दो कारतूस बरामद हुए उस पर। धारा 325 भारतीय हथियार कायदा अन्वय गुना दाखिल किया गया है और आगे का तपास किया जा रहा है। पर पुराने 3 गुने दाखिल हैं। इसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस मिले हैं। उसकी कीमत अंदाजन 26,000 रुपये है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, वो आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।